नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूनिवर्सिटी से संबंधित सारा आपको अपडेट देते हुए आता हूं, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, या फिर खेल कूद से संबंधित हो, या फिर एडमिशन से संबंधित हो, या फिर NCC से संबंधित हो। देखिए, हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी डाला था कि भैया एक बार NCC के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि NCC क्या होता है, NCC कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, NCC ज्वाइन करने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारा चीज़ें आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो है वीडियो हम तीसरी बार शूट कर रहे हैं, क्योंकि दो बार हमने शूट किया था लेकिन हमारा जो है पूरा मोबाइल का डेटा डिलीट हो गया है। हालांकि चेहरे पर जो आप हंसी देख रहे हैं ये थोड़ा बनावटी हो सकती है, लेकिन डेटा मेरा मोबाइल का सारा डिलीट हो गया है। तो अगर कोई एक्सपर्ट होंगे जो इस चीज़ को लेकर कि आईफोन का डाटा कैसे रिकवर किया जा सकता है, तो वो ज़रा कमेंट करिएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, तो उससे जो है बात करिएगा, रिकवर करने में मदद करिएगा। फिलहाल देखिए, हम लोग आप ही की हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए हम लोग दोबारा जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए, हम पहले NCC की बात कर लेते हैं। हमारे पास देखिए आर्मी विंग के बच्चे हैं, पहले आर्मी विंग के बच्चों से हम बात करते हैं और इनसे पूरा जानकारी लेते हैं। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंजलि राय है, मैं 89 यूपी बटालियन BHU से हूं। जी, तो सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि BHU में NCC कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? BHU में NCC आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक एडमिशन फॉर्म आता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उसके बाद आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद आप जमा करिए। आपका फिजिकल टेस्ट होगा, लड़कों के लिए 1600 मीटर है और लड़कियों के लिए 400-800 मीटर है, जो भी है वो करवाते हैं। उसके बाद फिर आपका उसमें एडमिशन हो जाता है। रिटर्न टेस्ट भी होता है? हाँ, रिटर्न टेस्ट होता है। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपका रिटर्न टेस्ट लिया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में तो नहीं लिया जाता। तो ये बताइए, जून को एडमिशन लेना होता है तो क्या कोई डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकता है कि केवल फर्स्ट ईयर में ही लेना होता है? बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर के कैडेट हैं, आपने कोई नेशनल आपका गेम है या स्पोर्ट है, तो आपके थोड़े चांसेस बन सकते हैं कि वो आप लोग को ले लें, लेकिन ऐसे तो बहुत कम ही चांसेस है कि आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाए। आपको एज अ फ्रेश बैच आपका जब स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट ईयर में ही आपका एडमिशन लिया जाता है। तो यानी कि एडमिशन लेने के लिए आपको प्रक्रिया समझ में आ गई कि आपको फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद जो है आपको फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद आपका अगर एडमिशन होने वाला होगा तो उसी दिन लिस्ट आ जाती है, उस दिन आपकी एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी एक प्रक्रिया ये है कि अगर रिटर्न टेस्ट तभी होता है शायद जब बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं तो सबको ले लिया जाता है ना? तो उतना नहीं होता, वो ले लिया जाता है। जी, मेरा नाम दिव्यांशी पाठक है और मैंने NCC अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेरा आगे का एम डिफेंस में जाने का है, तो मैंने उस वजह से NCC ज्वाइन की थी और काफ़ी उसकी वजह से मेरे में चेंजेस भी आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, फिजिकली फिट हुई हूँ मैं और काफ़ी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आया है। और NCC आपको मिलिट्री की काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे अगर आप डिफेंस के लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज यहीं से मिल जाएगी और आपको काफ़ी चीज़ों की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, ड्रिल सिखा दी जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेपन्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आगे आपके डिफेंस की पढ़ाई में और डिफेंस को एग्ज़ाम निकालने में आपकी हेल्प करती है काफ़ी। तो आपको लगता है कि NCC जो आने वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, ज्वाइन करना चाहिए और NCC आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं करता है उतना, आपकी पढ़ाई जैसे चलती आ रही थी वैसी ही होगी। बस ये कि आपको यहाँ आके आपको कुछ नया करने को मिलेगा, आपको कुछ फिजिकली अच्छी मतलब हेल्दी चीज़ें करने को मिलेंगी, आपको एक्सरसाइजेस पता चलेंगी, नई नई एक्टिविटीज़ आप कर पाएंगे, यही बहुत अच्छा है NCC करने के लिए। जी, मेरा नाम शिवम है और हम 89 बटालियन से। शिवम जी, आपने NCC क्यों ज्वाइन किया था? NCC पहले तो NCC जो है आर्मी विंग मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आर्मी की सिखलाई जो होती है, जो आर्मी में सिखाया जाता है, जो भी टैक्टिक्स या जो भी चीज़ होती हैं, वो यहाँ पर NCC के द्वारा एक लिमिटेड अमाउंट में, मतलब पूरा तो नहीं सिखाया जाता है लेकिन थोड़ा सा सिखाया जाता है, तो वो सीखने के लिए अपने अंदर ड्रिल, जैसे ड्रिल होती है NCC में, जैसे हम जानते हैं वेपन ट्रेनिंग होती है, तो इन सब से हमारे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होती है, बाकी जो हमारे साथ कॉलेज में बच्चे हैं उनसे ज़्यादा हम जानते हैं और हमको आगे आर्मी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उनसे आगे होंगे, कुछ कदम हम आगे ही होंगे उनसे, तो हम डिसिप्लिन हमारे अंदर आएगा, अनुशासन, जो चीज़ हमें चाहिए हमको, क्योंकि आगे जाना है आर्मी में एज अ ऑफिसर, तो वो सारी चीज़ें हम अगर पहले सीख के रखेंगे तो हमको आसानी होगी, तो इसलिए मैंने NCC ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइए हमें कि जैसे मान लीजिए NCC ये आपका ये आर्मी विंग है, तो क्या इसका अलग से एयरफोर्स और नेवी वगैरह भी होता है? जी होता है, हमारा तो आर्मी विंग है, नेवल का भी होगा और उसका क्या बोलते हैं एयरफोर्स का भी होगा। तो मतलब जिसको जिस विंग में जाने का इंटरेस्ट हो, जैसे मान लीजिए जिसको एयरफोर्स वगैरह में जाना हो तो वो एयरफोर्स NCC ज्वाइन कर सकता हो, जिसको नेवी। लेकिन उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है, जैसे कि उसमें PCM कंपलसरी होता है। अच्छा। जैसे हम लोग में कोई भी स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा टेस्ट और उनकी पढ़ाई भी अलग होती है एयरफोर्स के हिसाब से। जैसे हमको लोग को आर्मी के बारे में बताया जाता है, जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो आर्मी से रिलेटेड होती है और उनकी जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड होती है वो एयरफोर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके हिसाब से होती है, एयरफोर्स और नेवी के हिसाब से। जैसे
को फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, इन सब के बारे में बताया जाता है। हमको वेपन के बारे में ज़्यादा बताया जाता है और नेवी वाले को शिप्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जिसको जैसा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो ज्वाइन कर सकता है। आपने क्यों एनसीसी ज्वाइन किया था? मैंने भी एनसीसी मतलब इसी चीज़ को लेते हुए कि दुबले पतले हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर क्या चेंजेस लगा, क्योंकि मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत तरह कुछ मोटा मोटा थोड़ी थोड़ी टाइप के भी आते हैं, कुछ पतले पतले भी आते हैं, तो आप क्या फिट होने के लिए ज्वाइन किए थे कि और पतले होने? फिट होने के लिए तो ये तो ठीक है, मतलब हो जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी ये बात है कि मतलब स्किल्स होती हैं कुछ कुछ हमारी, और ये भी होता है कि जो मोटे होते हैं दुबले पतले होते हैं, मोटों के कंपैरिजन दुबले पतले हर जगह निकल ही जाते हैं, वो दिख मतलब दौड़ वगैरह में भी हो गया था जल्दी सबसे पहले। तो उसके बाद ये है कि हमें कैंप वगैरह में भी हमें बहुत अच्छे मतलब चांस मिलता है दौड़, मतलब सबसे जरूरी है फिटनेस, पतला हूँ फुर्ती भी हो गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ को देख के फिर हम एनसीसी मतलब ज्वाइन किया। उसके बाद ये चीज़ है कि स्किल्स हमारी शो होंगी होंगी, उसके बाद हमारा डिसिप्लिन, और उसके बाद हमारी जो एक्स्ट्रा हाँ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो वो एनसीसी के तहत हमें मतलब पता चलेगा। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से। ओह माय गॉड, फ्रॉम एप्पल कंट्री, एप्पल स्टेट। वहाँ पर क्या सेब सस्ता मिलता है? जी, सेब और वहाँ के अखरोट, ये दो चीजें वहाँ पे मतलब मशहूर हैं। आइएगा आप भी। नहीं आइएगा नहीं, लेके आइएगा अगली बार आप हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, देख लो सबके सामने बोल रहा हूँ, पक्का लेके आऊंगा। हमारे लिए नहीं लाया अभी तक, हमारे लिए नहीं लाया अभी तक, नहीं लाया, नहीं पूछा, आपके लिए पक्का लाऊंगा, और तो माता वैष्णो से प्रसाद भी लाऊंगा। क्या बात है, हम पे भी तरस, वो भी नहीं लाया हमारे लिए। स्टार्टिंग में जब कोई भी स्टूडेंट कैंपस आता है तो मतलब एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है बनारस को, बीएचयू घाट, इधर उधर मंदिर, तो हमको ये था कि हमको पहले खुद को एक्सप्लोर कर लें थोड़ा सा, उसके बाद बाहर एक्सप्लोर कर लेंगे। तो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हम एनसीसी ज्वाइन किए हैं, और बेनिफिट्स तो कहने के लिए बहुत से हो जाएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एनसीसी की स्पेशल एंट्री होती है, फिजिकली आप फिट होते हैं, मेंटली आप उस लेवल पर ग्रो करते हैं, कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आती हैं, आपको हर जगह आपको मौका मिलेगा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए अपने बटालियन को, अपने यूनिट को, आप स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह कर पाएंगे, आप अपने से ऑफिसर्स जो हैं रंगरूट्स जो हैं जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ मेजर इन सब से आपको कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा, आप कैंप्स करेंगे जाएंगे उनसे पर्सनली जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ व्हाट एन ऑफिसर एक्चुअली लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट एन क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑफिसर। चलिए सारी चीज़ें तो हमने बात कर लिया कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करना है, और साथ में ये भी हम बात कर लिए कि हमारे लिए सेल्फ बेनिफिट क्या हो सकता है। हम बात करते हैं इन लाइफ अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना हो तो एनसीसी का क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे लिए? देखिए अगर आप एनसीसी के बेनिफिट्स की बात करें तो एनसीसी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है जो आगे अपने करियर को एज अ डिफेंस लाइन में देखना चाहते हैं। अगर आप CDS ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, और अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट से अल्फा ग्रेडिंग पास होते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, आपको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप अग्निवीर जैसे चीज़ों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिटन माफ़ रहता है, आपको सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ाम देना पड़ता है। और बाकी अगर हम बात करें कि अगर आपको आर्मी में नहीं जाना है तो NCC आपके पर्सनल लाइफ को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी। वैसे NCC ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे और NCC ज्वाइन करने के बाद अगर आप पास आउट हो गए तो आप कैसे बने हैं, तो ये चीज़ें मैटर करते हैं। और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, NCC 3 साल का कोर्स होता है, आप उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उसमें कई सारे कैंप करते हैं, आपकी इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको एक अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है। कई बार ये भी होता है कि अगर आप UG पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, तो PG में जब कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो कई सारी यूनिवर्सिटी में आपको 10-15% वेटेज भी मिलता है कि अगर आप NCC कैडेट हैं या फिर कोई सरकारी एग्जाम भरते हैं स्टेट वगैरह का, तो हाँ स्टेट पुलिस वगैरह में तो उसमें भी 15% वगैरह मिलता है। GD पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी होते हैं उसमें 15 नंबर का छूट मिलता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, UP पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब भरेंगे आप तो उसमें 15-5 नंबर का छूट होता है। कई कॉलेजेस भी ऐसा रखती हैं कि जो NCC कैडेट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की वो भी छूट देती हैं इसमें। आपने NCC क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख कर मोटिवेट हो सकते हैं, कि बहुत सारे लोग हाइट को लेकर मार खा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ज्वाइन करूँ ना कर पाऊंगी, वो ममा नहीं कर पाऊंगी, ममा गर्ल्स जो होती हैं, तो आपको क्या उनको संदेश देना चाहेंगी और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपने NCC ज्वाइन किया? पहले तो मेरा नाम साक्षी है एंड मैंने NCC मतलब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, न्यू स्किल्स सीखने के लिए, और मेरा एम है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, इसलिए ज्वाइन की थी। तो बेसिकली अगर फैक्ट्स की बात करूँ तो अगर कोई भी
कैंडिडेट अगर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो गर्ल्स में हाइट होती है 152 सेंटीमीटर, तो उसके अबव से मतलब रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेसिक मोटो जो होता है वहाँ पे कैंडिडेट्स में देखा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी, आप ग्रूम्ड रहेंगे, उतने ही आपके मतलब उसमें हाइट मैटर नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो वहाँ पे एसेसर जो होते हैं एसएसबी सेंटर्स में, वो आपको आपकी पर्सनालिटी जज करते हैं ना आपकी हाइट। तो मेरे को इसी चीज़ से मोटिवेशन मिला कि मुझे अपनी पर्सनालिटी, मुझे अपने आप को ग्रूम करना ऑल ओवर, और मेरे अंदर जो फियर्स हैं, डर है कि मैं नहीं कर सकती हूँ शायद, तो उनको मिटाना था। तो यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें से सीखी, मेरे मन में काफ़ी डर थे, मैं अपने आप को मतलब लेफ्ट आउट फील करती थी, बट धीरे धीरे जैसे कैंप्स एंड ऑल अटेंड किए, उसके बाद अपने बडीज बनाए, ग्रुप बना, एक फैमिली बन गई कैंप्स में आके, तो धीरे धीरे वो फियर्स निकल गए। तो अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हाइट कहीं मैटर करती है, अब मैटर करता है आपका जोश, आपका जज्बा और आपका मतलब आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और बाकी आप ब्यूटी ऑफ बनारस भैया को फॉलो करिए एंड अपना जोश हाई रखिए, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हैं आने वाले सीनियर्स, हम आप लोग के बनेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, जैसे हमारी सीनियर्स हमको सपोर्ट करते हैं तो हम भी अपने जूनियर्स को सपोर्ट करेंगे, एंड कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना। देखिए एक सवाल और रहेगा कि पढ़ाई को लेकर, क्या पढ़ाई के साथ एनसीसी किया जा सकता है, या पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है उस चीज़ को भी लेकर पूछना चाहेंगे? बिल्कुल किया जा सकता है, आपका इसमें कोई पढ़ाई डिस्टर्ब होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऐसी चीज़ों को शेड्यूल करके रखी जाती हैं कि आपका जो स्ट्रीम है, आप जिस स्ट्रीम से हो, आप जो पढ़ाई करो, आपकी वो भी चीज़ें अफेक्ट ना हो, प्लस आप एनसीसी की भी अगर क्लासेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कितने दिन क्लासेस चलती हैं? दो दिन की क्लासेस कब चलती हैं? सैटरडे संडे। हाँ, दो तीन घंटा हमको लगता चलती हैं क्लासेस, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं? नहीं नहीं है ना। तो उससे आपका सिर्फ एक दो घंटा ही लगता है, बाकी अगर आपको ड्रिल वगैरह अगर वहाँ पर सिखाई जाती है तो आपका 45 मिनट्स 50 मिनट्स और लग जाएगा। ऐसे आप अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीसी में आने के बाद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। यानी कि आप ये भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं संडे को, ओ माय गॉड मैं तो 11 बजे तक कम्बल तान के सोऊंगा, तो आप लोग भी सोते हो कि निकल नहीं, जाते नहीं, हैं? नहीं, ये बात है कि एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं इन लोगों को कोई ऐसा, हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए, हम लोग बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं होते हैं। गार्जियंस को भी हम लोग को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर हो सके तो अपने बच्चे को आप सपोर्ट करिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करें। जैसे हम लोग हैं, बाकी बच्चे संडे को सुबह 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, हम लोग को सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर 7 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। तो हम लोगों की लाइफ काफ़ी एनसीसी की वजह से एक्टिव है, और हम लोग यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे एनसीसी ज्वाइन करें। हम लोग के पीआई स्टाफ, हम लोग के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हम लोग के एएनओज हैं, वो भी यही कहते हैं कि और बच्चे आएंगे, वो लोग एक्टिव होंगे, उनमें डेवलपमेंट होगा, वो ग्रो करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो वो हम लोग के पूरे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, एक हम लोग के भारत के लिए भी एक तरह से अच्छा है, हम लोग का यूथ नई चीज़ें सीख रहा है, बस यही। और ये भी है कि जैसे ये हम लोग के सीनियर्स हैं, ये लोग हम लोग को फुल सपोर्ट करते हैं चीज़ों में, और यहाँ पे जितने हम लोग के सीनियर्स हैं ये लोग हम लोग की हर एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, और हम लोग को नई नई चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं हम लोग को डिसिप्लिन से रहना, जब भी हम लोग कोई गलत चीज़ करते हैं हम लोग को टोकते हैं, तो यहाँ पे गाइडेंस आपको बहुत गाइडेंस मिलती है, आपको पॉजिटिव गाइडेंस मिलती है, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो फिर अब जो हम लोग की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करेंगे और पॉजिटिवली उन लोगों का भी एटीट्यूड हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर जो सीनियर्स हैं, स्पेशली ये अंजलि दी हम लोग की, ये स्ट्रिक्ट कब है? जब हम लोगों को ज़रूरत होती है, हम लोगों को ज़रूरत होती है, हम लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हम लोग कुछ गलत किए होते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट भी बन जाती है। बट जब हम लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होता है, तो ये हम लोग को एक बड़ी बहन की तरह और बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट करती है, हम लोग की सारी, हम लोग भी कैंप में गए थे तो हम लोग को काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो चीज़ हम लोग के पास नहीं थी वो इन्होंने हमको प्रोवाइड की, और हम लोग को अगर कोई दिक्कत होती थी तो सर से जाके ये बात करती थी, हम लोग को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती थी। और यहाँ कैंप में भी हम लोग को कोई चीज़ नहीं आती तो ये अलग से हम लोग के ग्रुप को ले जाके सिखाती हैं, वो हम लोग को इमोशनल सपोर्ट देती हैं। साक्षी दी का क्या है कि उनको देख करके वो इतनी वो हसमुख स्वभाव की हैं कि उनके पास रहने पर सबकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाती है, सब उनकी वो प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं ऐसा। और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि देखिए मैं भी एक एक्स कैडेट हो चुका हूँ, मतलब एनसीसी में पास आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर जब भी हम आए तो तुरंत इन्होंने मुझे सम्मान दिया, तो ये चीज़ मुझे देख कर लगा कि नहीं, डिसिप्लिन जो है मैटर करता है, और ये चीज़ आपको एनसीसी में ही सीखने को मिलेगी। वीडियो को अगर आप बीएचयू आ रहे हैं और थोड़ा सा चाहते हैं कि एकेडमिकली कुछ छोड़ के एक अलग आपका ग्रुप बने और एक अलग कुछ भी आप करें, खुद के लिए करें, खुद के लिए टाइम दें,
खुद का एक अलग एक्सपोजर लें तो आप एनसीसी जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ नई एक्टिविटीज करनी, जैसे हम लोग की रैलीज निकल रही है, हम लोग के कैंप्स होते हैं और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप एनसीसी ज्वाइन करने आ जाइए। और कुछ कर रहा है? हाँ, हाँ। मतलब ये स्पेशली गर्ल्स के लिए कि मम्मास गर्ल नहीं बनना है, आके यहाँ के सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है, अपने आप को ग्रूम करना है एंड जितने भी फियर्स हैं उन सबको मिटाना है। तो स्पेशली आइए, और मतलब नहीं अगर सिलेक्शन होता तो कोई बात नहीं, बट आके एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए सबको, तो एनसीसी सबको ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि संडे और सैटरडे को बैठ के तो कुछ होगा नहीं घर में या हॉस्टल में या कहीं भी, जहाँ पे भी आप हैं, यहाँ बनारस से लोकल हैं तो घर में और ऐसे कहीं बाहर से हैं तो हॉस्टल में, उससे अच्छा कोई को कैरिकुलर एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो आप कुछ दौड़ने ना जाएं, कुछ ना जाएं, तो आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ को 1% ही सही लेकिन वो आपको हिट करेगा, आपको लाइफ में कहीं ना कहीं वो चेंज आएगा। क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक जो हम लोग को मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक जो हम लोग के एनओ हम लोग की पर्सनालिटी डेवलप करवाने के लिए कम्युनिकेशन लीडरशिप और बाकी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली चीज़ें सिखाते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग की पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है एंड हम लोग को मिलिट्री की नॉलेज भी मिल जाती है और नई नई चीज़ें करने को मिलती है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये एनसीसी के बच्चे थे और एनसीसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में कमेंट डाल दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये सवाल छूट गया, इसको भी आपको जाना चाहिए था, तो उस पर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं खुद डिमोटिवेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरा पूरा डाटा डिलीट हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।